एक साइकिल है। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, ये पापा ने मेरे को सेंटा के रूप में गिफ्ट की है। बाप रे, ये पापा और मैंने दोनों ने चलाई थी, और आप देख सकते हैं ये मेरे पापा ने मेरे को फायरफॉक्स की दिलवाई है। ये इसमें ये मतलब साइकिल में लीडर है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे फायरफॉक्स या फॉक्स भी बनी हुई है, होती ऑरेंज है पर ये साइकिल ग्रे से ग्रे हो गई। और ये क्रीड है, साइकिल का नाम क्रीड, ये मतलब फायरफॉक्स से है, फायरफॉक्स की साइकिल, और ये क्रीड है मतलब ये बच्चों के लिए बड़ी साइकिल, मतलब मेरे जैसे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेक योर ओन रूल, मतलब क्या बताओ, ये सेंटेंस इन्होंने एक दिया है, मतलब सेल बांधने के लिए जो। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर लिखा हुआ है कि इससे नो स्टंटिंग, आप जैसे देखोगे और वीडियोस में कि लोग स्टंटिंग करते हैं, एक पीछे वाले टायर से सिर्फ करते हैं, ऊपर ये आगे वाला ऊपर कर लेते हैं, वो नहीं कर सकते, जंपिंग नहीं कर सकते, मतलब वो साइकिल पे उठा के जंप कर देते हैं, ये नहीं होना है। ये मतलब बहुत मजबूत है, फिर भी इसमें लिखा है नो स्टंटिंग, सेफ्टी के लिए सिर्फ। और इसमें लिखा है ऑलवेज वियर अ हेलमेट, मेरे पास हेलमेट रखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये छोटा सा स्टिकर इसमें बना हुआ है, आप देख सकते हैं नो स्टंटिंग और जंपिंग, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। हम लोगों ने साइकिल ये लिए हमने आर के साइकिल्स इंदिरापुरम से, और हमारे एक अंकल थे मेरे पापा के दोस्त, उन्होंने अपने उन्होंने डिस्काउंट दिला दी, इसकी एक्चुअल प्राइस आप जान के हैरान हो जाओगे, इसकी एक्चुअल प्राइस 19,000 से 20,000 तक है, पर उन अंकल के सारे हम लोगों को ये 16,500 में मिल गई थी, बट अलग से एसेसरीज लगवाने में 1,000 और मतलब 1,500 और खर्च हो गया था, मतलब ये पूरी साइकिल हमको 17,000 में मिल गई है। कितनी बात करेंगे शेप एंड साइज की, तो जो इसका फ्रेम है ये है 18 इंच का, ये वाला जो है फ्रेम 18 इंच का है। इसकी जो सीट है ना, ये ना ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे मेरे पापा मेरे से बहुत लंबे हैं, तो ये सीट ऊपर नीचे हो सकती है, इसको थोड़ा हिलाना पड़ता है, मतलब हिलाना नहीं, मेरे को पता नहीं वैसे कैसे होता है, पापा करके दिखा रहे हैं, तो ये ऐसे खोलेंगे इससे, और हम लोग ये ऐसे करके बंद कर दो पापा, ये ऐसे बंद नहीं हो रही, बहुत जान लगती है। तो ये हो गई ऊपर सीट, अब ये हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से, इसलिए हो ही नहीं रही मेरे से, इसलिए इसका सीट ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे मेरे को तो बहुत नीचे अच्छी होती है, तो हम मैक्सिमम नीचे ही रखते हैं, जो मैक्सिमम इसको नीचे कर सकते हैं, और पापा की जान निकल गई करने में। तो ये माइक्रो शिफ्ट के गियर्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इसमें 21 गियर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गियर्स यहाँ पे हैं, और 3 गियर्स यहाँ पे हैं, तो मतलब 7 × 3 21 गियर्स हैं इसमें टोटल, माइक्रो शिफ्ट के गियर्स हैं। तो ये घंटी हमको ये, और ये देख सकते हैं लॉक और सीट कवर, ये जेल लगा है इसमें, ये सब हम लोगों को अलग से खरीदने पड़ गए थे। ये आप बॉटल का भी देख सकते हैं, ये बॉटल में फिट की हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं ये सॉकर्स है, ये 110 केजी का वेट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं ये मेरे पापा दबाते हुए दिखा रहे हैं, और ये रिफ्लेक्टर। तो इसके जो टायर है ये है 27.5 इंचेस के, और फ्रेम है 18 इंचेस के। तो ये टायर आप देख सकते हैं, मतलब ये ऐसे स्पाइक्स मतलब हर साइकिल पे होते हैं, पर ये अलग से ही है कुछ, इसमें ग्रिपिंग के लिए बहुत अच्छा होता है नीचे, और आप देख सकते हैं ये इस जगह पे कितना सही दिखता है, ये छह यहाँ पे है एक, देख सकते हैं ये नीचे एक और, दोनों टायर्स में लगी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे 1 to 7 गियर्स है इसमें, आप देख सकते हैं 1 to 2 मतलब 1 to 7 देख सकते हैं, इससे गियर जो होता है ये ऊपर जाता है और इस वाले से नीचे आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे आपको ज्यादा स्पीड चाहिए हो, जैसे आप कहीं चढ़ाई कर रहे हो तो आप पहले गियर पे चलाएंगे, जैसे आप गाड़ी में देख लो तो पहले गियर में सबसे ज्यादा ताकत देती है, और अगर आपको स्मूथ चलाना हो इस वाले से गियर से होगा। चलाने में जो इसका एक्सपीरियंस रहता है ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब बहुत लाइट चलती है साइकिल, जैसे आप नॉर्मल चलाओगे तो बहुत हार्ड चलती है विदाउट गियर वाली जो होती है, पर मेरे पापा ने गियर वाली ली, तो ये जब गियर पर डालो तो बहुत लाइट चलती है, विदाउट गियर भी बहुत अच्छी साइकिल है, बस गियर जब ना डालो तो थोड़ी सी हार्ड लगती है, पर थोड़ा तो चलता ही है, गियर पर बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, फेदर जैसे पकड़ा अपने वैसी लाइट चलती है, बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका चलाने का।
तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे हम लोगों को कहीं ट्रैवल करना होता है और ये साइकिल जैसे जितनी दिनों तक रखो जंग लग जाती है उस पर, तो जैसे अगर हम लोगों को साथ में ले जानी हो तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो चीज है ना ये निकाल देंगे हम लोग और फिर ना इसका क्या होगा, इसका टायर निकल जाएगा और साइकिल अलग रह जाएगी, तो इसको हम लोग अलग अलग से रख सकते हैं, इससे ये निकल जाता है। और बात करेंगे अगर इसकी मेंटेनेंस की, तो इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर आप इसको हर दिन 15 से 20 मिनट चलाएंगे और अगर इसका गियर खड़े खड़े छेड़ेंगे नहीं तो बहुत अच्छी चलेगी सर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो ये है इसका, ये जिसे हम एक नाम भूले कि मटगढ़ा, तो इसमें क्या होता है ना, ये आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे भी टेप जैसे लग रहा है ना, आपको पता ही होगा जो लोग रात में साइकिलिंग करते हैं उसमें चमकता रहता है, ये यहाँ पे लगा है एक मडगार्ड पे, एक यहाँ पे लगा हुआ है, साइकिल्स में भी इस जगह पे भी यहाँ उस इस साइड मतलब हर जगह, मतलब रात में चमकती हुई दिखे कि कोई साइकिल चला रहा है इसलिए वो दिखता रहता है। और अगर मैंने अभी आपको मेंटेनेंस का बताया था, तो जैसे अगर आप सर्विस इसकी करवाने जाते हो कोई दिक्कत आती है, पहली बात तो कोई दिक्कत आती नहीं है ऐसी साइकिल्स में जल्दी, तो होता क्या है ना, आपको ना किसी भी छोटी मोटी शॉप पे नहीं जाना इसकी सर्विस करवाने, क्योंकि वो ना और बिगाड़ देते हैं, और अलग से तेल तो बिल्कुल नहीं डलवाना है और इससे बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। बाकी अगर आप इसका गियर नहीं छेड़ोगे और कुछ करोगे नहीं, मतलब इसको खड़े खड़े, तो बहुत अच्छी चलेगी। तो इसके बहुत सारी साइकिल्स हम लोग देखे थे, पर इसका जो कलर था, जैसे आप अगर ये वाली साइकिल लोगे तो मतलब आपको इसका दूसरा कलर नहीं मिलेगा, यही सबसे यूनिक कलर है जो बिकता है मार्केट में, बहुत अच्छा कलर है ये, मतलब आप देख रहे हो ना ग्रे पे बिल्कुल एकदम ब्राइट कलर्स दिया, तो बिल्कुल एकदम से स्मार्ट लगती है देखने में, इसलिए इसको यूनिक कलर है इसका। इसके अलावा कोई था ना वो साथ में था तो मडगार्ड जो था वो साथ में था, तो इसमें मतलब आप समझो जैसे हम लोग चलाएंगे अगर बारिश में कभी, तो टायर में ना कीचड़ लग जाता है, अब वो हमारे ऊपर घूम घूम के हमारे ऊपर गिरेगा, इसलिए यहाँ पे ये लगा रहता है जिससे वो सारा कीचड़ उसके अंदर चला जाए हमारे ऊपर ना आए। पीछे भी लगा हुआ है और बहुत अच्छी साइकिल है, आप अगर लोगे तो यही वाली लेना अगर आपको गियर वाली चाहिए, क्योंकि ये फायरफॉक्स लीडर है। हीरो की भी साइकिल देखी, पर फायरफॉक्स का बात ही अलग है, और मैंने डेथिक्लॉन में भी रॉक राइडर वाली देखी थी, पर हम लोगों को जब नॉर्मल चलाना है ऐसे, हम लोगों को जब पहाड़ पे चलाना होगा तो दूसरी ले लेंगे, पर अभी हम लोग जब नॉर्मल चलाते हैं ऐसे ही पत्थरों पे थोड़ा सा, तो ये वाली सही रहती है बिल्कुल। ये महंगी भले ही है बट ये बहुत अच्छी साइकिल है, मतलब इसकी सर्विस भी जल्दी करवानी होती है, इसके गियर्स रहेंगे अगर आप छेड़ोगे नहीं तो बहुत अच्छे रहेंगे, माइक्रो शिफ्ट के हैं, मडगार्ड लगा हुआ है, सीट कवर है और बॉटल का जहाँ रख सकते हैं वहाँ पे लगा हुआ है, घंटी है। भले कितनी महंगी साइकिल हो कोई आपको बचा नहीं सकता अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे, और कार में अगर बैठे हो तो सीट बेल्ट के अलावा कोई नहीं बचा सकता, इसलिए आपको साइकिल में और बाइक में भी और कार में भी हर जगह सेफ्टी अपने ही हाथों में होती है। तो साइकिल भले ही कितनी अच्छी हो हेलमेट हमेशा पहनना, क्योंकि इसमें फिर भी लिखा है कि ऑलवेज वियर अ हेलमेट, क्योंकि इसमें कोई भी इंश्योरेंस अभी हम लोगों ने लिया नहीं है, कोई नहीं बचा सकता हमें, इसलिए हेलमेट ऑलवेज वियर हेलमेट। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।